हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूनिट 6 जो पार्ट 4 है आवर ट्री का। जो आधी एक्सरसाइज आपको करवाई थी वो आधी एक्सरसाइज बाकी है, वो आपको करवाऊंगा। तो हम थोड़ा आगे का थोड़ा रिवीजन कर देते। जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखाए थे, क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ पेड़ पर रहती है तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, वो आपको सिखाया था। फिर उसके बाद कौन सा फल, कौन सा फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है वो भी मैंने आपको सिखाया था। जैसे आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, तो एप्पल्स की जगह आपको पाइनएप्पल्स लिख सकते हो, मैंगोस लिख सकते हो, बनानास लिख सकते हो, ग्रेप्स, फिर ऑरेंज, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो एप्पल्स की जगह आपको वो नाम लिखना है। फिर एक पौधे को कैसे हम उगाते वो हम लिखेंगे। सॉरी, आपको लिखना नहीं है, तो मैंने आपको तो वो लिखा है कि 1 2 3 उसको क्रमवाइज उसको रखना है। तो कैसे जो पेड़ है वो कैसे एक एक सीड की, एक बीज की मदद से पेड़ कैसे बनता है उसकी, तो आपको पहले कैसे करना है, तो आपके खेत में आपको एक प्रैक्टिकल करना है। तो आपको एक खेत में जाके एक अच्छी ज़मीन देखनी है, फिर आपको एक छोटा सा पौधा ढूंढना है, एक छोटे से पौधे को कैसे हम उगाते हैं वो उसका तरीका। तो पहले आपको एक गड्ढा खोदेंगे, फिर उसके अंदर छोटा सा जो पौधा है वो उसको रखेंगे, उसके ऊपर छोटी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे, फिर छोटा सा लंबा सा छोटा सा गड्ढा रखेंगे, फिर उसके अंदर हम पानी डालेंगे, दिन ब दिन हम उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर 6 मंथ या 1 ईयर्स में जो पौधा है वो बड़ा हो जाएगा, वो ट्री के रूप में छोटा सा पौधा हो जाएगा, तो वहाँ पर हम उसके चारों ओर हम जाली रख देंगे, फिर बड़ा सा वो ट्री बन जाता है। तो उसका जो तरीका है, जो जो ट्री को उगाने का तरीका यही है, जो आपको बुक के अंदर भी दिया है और मैंने आपको वो चित्र पिक्चर ड्रॉ करके भी मैंने आपको सिखाया है, वो अगले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। वैसे आपको ये जो जो प्रैक्टिकल है वो आपको अपने खेत पर, अपने फार्म पर आपको करना है। तो अब जो आधी एक्सरसाइज की थी और बाकी की जो एक्सरसाइज आ रही है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो हम ध्यान देते, पेज नंबर 71 ओपन करो। तो पेज नंबर 71, लेट्स थिंक, पट अ टिक मीन्स राइट, इफ इट इज ट्रू, पट अ क्रॉस मीन्स रॉन्ग, इफ इज नॉट ट्रू, जो नॉट ट्रू है वहाँ पर आपको फॉल्स करना है और जो ट्रू है वहाँ पर आपको ट्रू करना है। आई लाइक फ्रूट, आपको फल पसंद है तो जैसे कि आपको ये दिया है ऐसे लिख के आपको दिया है, ऐसे दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है आई लाइक फ्रूट, तो आपको फ्रूट पसंद है मीन्स फल पसंद है, तो पसंद है तो वहाँ पर आपको राइट करना है। फिर उसके नीचे दिया है आई लाइक फ्लावर्स, तो आपको फ्लावर्स मीन्स फूल पसंद है तो आपको वहाँ पर राइट करना है। फिर इसके नीचे देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, आपके घर के बाजू में ट्री है, कोई वृक्ष है तो है तो वहाँ पर आपको यस करना है, और नहीं है तो वहाँ पर रॉन्ग करना है। तो मेरे घर के पास, मेरे घर के बाजू में कोई ट्री नहीं है तो वहाँ पर मैं आपको फॉल्स मीन्स रॉन्ग करूँगा, नॉट ट्रू के नीचे मैं रॉन्ग करूँगा। फिर द ट्री हैज फ्लावर्स, वहाँ पर आपको राइट करना है या रॉन्ग करना है वो भी मैंने आपको करना है आपके हिसाब से। विद द ट्री हैज फ्रूट, वो भी आपको अपने हिसाब से करना है। तो जो आपको पसंद है, जो आपके घर के बाजू में है और जो आपको पसंद है उसके सामने आपको राइट करना है, और नॉट ट्रू के जो कॉलम में वो आपको फॉल्स करना है। फिर उसके नीचे लेट्स रीड एंड राइट, तो आपको WXYZ जो आगे के जो पार्ट, आगे के जो लेसन में आपको
ए से लेके तक ए के ले कैपिटल ए के लेके सर ले लेके तक जेड तक आपको दिया है, तो इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो चार लेटर बाकी वो इस लेसन में दिया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे कि आपको डॉट डॉट किए वो आपको ट्रेस करना है, वैसे आपको पूरा कंप्लीट डब्ल्यू लिखना है, जैसे एक्स लिखना है, वाई लिखना है और जेड लिखना है, वो आपको ये होमवर्क करना है। नेक्स्ट पेज टर्न योर पेज पेज नंबर 72। हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट। आपको जो एक छोटी सी चिटिया दी बर्ड्स दिया है वो आपको इसके घोंसले तक पहुंचाना है, आपको उसकी मदद करनी है, उसका आपको रास्ता ढूंढना है। तो गौर से देखो आप, तो उसको वो रास्ता हम कैसे ढूंढेंगे वो आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ। तो बच्चों आपने वो रास्ता ढूंढा होगा, तो आपको कई रास्ते बंद मिले होंगे, कई रास्ते खुले मिले होंगे, किसी को पूरा रास्ता मिला होगा। जैसे कि मैंने एक पेंसिल की मदद से मैंने वो रास्ता मैंने आपको ढूंढ लिया है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसा है। तो ये देखो मैंने पेंसिल के रूप से मैंने ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से उसके बेस तक, उसके घोंसले तक मैंने आपको पहुँचा दिया है। तो वैसे ही आपको वो आपको ट्राई करना है। फिर उसके नीचे एक पिक्चर दिया है जिसमें एक पेड़ है, एक ट्री है और एक लड़का ट्री के ऊपर चढ़ा है, और एक जो लड़की उसकी जो सिस्टर होगी वो नीचे जो वो लड़का फ्रूट जो फेंक रहा है, वो जो फल फेंक रहा है वो जो कैच कर रही है। तो कैन यू क्लाइम अ ट्री, आप ऐसे एक पेड़ पर चढ़ सकते हो, चढ़ाई की है तो आपने की होगी। तो उसके नीचे जो आंसर है वो तो यस आई कैन क्लाइम, आप चढ़ सकते हो। फिर यस आई कैन प्लग, मैं वो सांस कर सकता हूँ। यस आई कैन कैच, वो जो फ्रूट दे रहा है वो फेंक रहा है तो वो लड़की कैच कर रही है, तो यस आई कैन कैच, वो मैं पकड़ सकता हूँ। यस आई कैन जंप, और मैं ये जंप कर सकता हूँ। तो आप ये सब के सब ये आपने जो चारों के चारों जो ऑप्शन है वो आप सबने ट्राई किए होंगे, मुझे पता है आप सबने वो ट्राई किए होंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं 73 पर। मुरालीज मैंगो ट्री, मुराली की मैंगो ट्री, आम का ट्री। एक छोटी सी स्टोरी है, एक दिन मुराली एक आम खा रहा था, उसका जो सीड था वो उसने घर के पीछे फेंका। तो उसके बाद उसने बहुत समय के बाद उसने घर के पीछे देखा तो वो ट्री बन गया था, पूरा बड़ा सा ट्री बन गया था। तो वो पहले छोटा सा ट्री था, फिर उसने देखा कि उसने जो पानी डालकर उसने बड़ा सा ट्री के रूप, जो मैंगो ट्री के रूप में बदल गया। फिर जो ट्री थी, ट्री के जो फल आते थे, जो फ्रूट आते थे, वो सारे अपनी पूरी आप उसकी फैमिली मिलकर वो जो मैंगो था वो खाने लगे। तो हम ध्यान देते हैं 73 पर भी, नंबर 73। लिसन रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। वन डे मुराली एट अ मैंगो, ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। मैनी मंथ्स लेटर ही शो अ प्लांट्स, ही वॉटरेड द प्लांट एवरी डे। द प्लांट ग्रू इंटू अ बिग मैंगो ट्री, एवरी समर मैनी मैंगोस ग्रो ऑन इट्स। नाउ मुरालीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोस। वन डे मुराली एट अ मैंगो, एक दिन मुराली ने एक आम खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने जो आम खाया उसका जो सीड था, जो बीज था, उसने उसकी घर के पीछे फेंका, मींस फेंक दिया, उसके घर के पीछे उसने फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, ही शो अ प्लांट, उसने एक पौधा देखा। कुछ महीनों के बाद उसने एक पौधा देखा।
कौन सा पौधा दिखा जो उसने जो आम खाई थी उसका जो सीड था उसने जो घर के पीछे फेंका था वही उसने देखा, उसका वो छोटा सा ही शो अ प्लांट, उसने एक पौधा देखा, छोटा सा पौधा देखा। ही वॉटरेड इट द प्लांट्स एवरी डे, वो हर रोज वो पौधे को पानी देने लगा, जो पौधा था छोटा सा पौधा था उसको वो हर रोज पानी देने लगा। द प्लांट्स ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, जो वो पौधा था जो छोटा सा प्लांट था वो बड़े आम के पेड़ के रूप में बदल गया, जो छोटा सा पौधा था वो आम के रूप में आम ट्री के रूप में वो बदल गया। एवरी समर, गर्मियों के दिन में मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, वो गर्मी के दिन पर जो आम का पेड़ था वो वहाँ पर आम उगते हैं, उगने लगे, मीन्स वो उगने लगे। नाउ अब क्या होता है, मुरालीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज, मुराली तथा उसके बच्चे थे वो आम खाने लगे। एक छोटे से सीड की मदद से बड़ा सा वृक्ष हो गया, फिर उसके जो फैमिली के उसके जो बच्चे वो आम खाने लगे। तो इस स्टोरी में है कि पेड़ को आप काटना नहीं चाहिए, उसका प्लान आपको जगह जगह मीन्स खेतों में उगाना चाहिए और उससे आपको बहुत बहुत फायदा होता है। जैसे कि जो मुराली है उसने जो उसका सीड है उसने घर के पीछे फेंक दिया तो एक बड़ा सा पेड़ हो गया, आम जो आम आने लगे वो सब पूरी उसकी फैमिली वो खाने लगी। तो आप पेड़ों को काटो मत और उस पेड़ों को आप उगाओ, पौधे छोटा छोटा सा पौधा उगाओ, उसका आप फायदा होगा। नेक्स्ट पेज पर ध्यान दो, नेक्स्ट पेज नंबर 74। रीड द सेंटेंस एंड टिक, मीन्स राइट द राइट पिक्चर, दिए गए वाक्यों को मीन्स सेंटेंस को आप पढ़ो और सही चित्र पर आपको राइट करना है, टिक मार्क करना है। ये पूरा आगे का जो पैराग्राफ है जो स्टोरी है वो यहाँ पर वही स्टोरी है, फिर उसने सिर्फ एक ही चेंज किया है कि उसने पिक्चर डाले, मुराली एट अ बनाना ऑब्लिक मैंगो वन डे, मुराली ने क्या खाया है एक दिन, तो क्या खाया, बनाना खाया या मैंगो, तो मैंगो जो मैंगो है जो मैंगो है उसके ऊपर ही आपको टिक मार करना है। तो सही आंसर की उस मैंगो है उसके ऊपर आपको टिक मार करना है। तो मुराली एट अ मैंगो वन डे, मुराली ने एक दिन मैंगो खाया है। फिर उसके नीचे ही थ्रू द सीड ऑब्लिक मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसके पीछे उसने क्या फेंका था, मैंगो फेंका था कि या सीड फेंका था, तो आपको पता है कि उसने क्या फेंका था, तो सीड एक बीज फेंका था, तो जो सीड है तो वहां पर आपको करना है राइट, सीड लिखा है वहां पर आपको करना है राइट। मैनी मंथ्स लेटर ही शो अ सीड ऑब्लिक प्लांट, बहुत समय के बाद मीन्स कई महीने के बाद क्या हुआ, जो बीज था वो बीज ही रहा या प्लांट बन गया, तो क्या हुआ, प्लांट बन गया। तो जो प्लांट है उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। ही वॉटर्ड द सीड ऑब्लिक प्लांट एवरी डे, वो रोज हर रोज किसको पानी देता था, सीड को पानी देता था या प्लांट को, तो किसको, बीज को या पौधे को, कौन किसको देता था, तो पौधे को, वहां पर प्लांट है वहां पर आपको राइट करना है। मैनी एप्पल्स ऑब्लिक मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री, तो जो पेड़ था वो बड़ा हो गया तो क्या आने लगे, एप्पल्स सेफ आने लगे या आम आने लगे, तो क्या आने लगे थे, क्या उगने लगे थे, तो
मैंगोज, जो मैंगोज लास्ट में है, जो मैंगोज है उसके ऊपर आपको टिक मार करना है। तो फर्स्ट में आएगा मैंगो, सेकंड में आएगा सीड, थर्ड में आएगा प्लांट, फोर्थ में आएगा प्लांट और लास्ट में आएगा मैंगो, उसके ऊपर आपको टिक मार करना है। पिक्चर देख के आपको टिक मार करना है। फिर उसके नीचे देखो, ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स फ्रूट बर्ड्स नेस्ट एंड अ स्विंग। एक ऐसे पेड़ का चित्र बनाओ आप, ऐसा ऐसे ट्री का चित्र बनाओ कि जिससे पत्ते शाखाएं फिर फल चिड़िया घोंसला और झूला हो सके, वैसे ही आपको एक पिक्चर बनाना है। तो ये जो कोष्टक दिया है उसमें आपको एक ट्री का पिक्चर ढूंढना है, उस ट्री के पिक्चर के अंदर ब्रांचेस पत्ते फिर फल चिड़िया फिर घोंसला जो नेस्ट कहते हैं उसको, फिर झूला जो लड़के छोटे छोटे लड़के जो झूला झूलते वो आपको बनाना है। जैसे कि आपको आगे पता है कि जो अवर ट्री के जो स्टोरी है उसमें एक पिक्चर ड्रॉ किया है, उसमें सब आता है, तो वैसे ही आपको वो पिक्चर ड्रॉ करना है। फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सोल्व करने, डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिविंग अबाउट। ऊपर दिए गए सभी जो ऊपर दिए गए सभी शब्द जैसे कि लीव्स ब्रांचेस फ्रूट बर्ड्स नेस्ट एंड स्विंग, वो सब को सबका उपयोग करके चित्र का जो पिक्चर दिया है उसका पूरा वर्णन करना है। तो वो आपको कैसे पिक्चर आपको ड्रॉ कर दे उसके बारे में आपको नीचे जो पहले क्वेश्चन आंसर है उसका आपको आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट उसके नीचे शुड ट्री बी कट, क्या पेड़ों को काटा जाना चाहिए, आप पेड़ों को काट सकते हो, तो यस या नो, तो उसका आंसर आएगा नो, ट्री शुड नॉट बी कट, पेड़ों को काटा जाना चाहिए नहीं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे Not be cut. तो सेकंड का आंसर है नो, ट्री शुड नॉट बी कट, तो पेड़ों को काटा जाना चाहिए नहीं। फिर उसके नीचे देखो थर्ड नंबर पर, नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, कुछ आपने कुछ ऐसे पेड़ देखे होंगे जिसका नाम आप बता सकते हो या लिखना है आपको, तो कौन से पेड़ देखे होगी, तो आपको नीम के पेड़ देखोगे, मैंगो के पेड़ मीन्स गावा के पेड़, पपैया के ट्री पेड़ देखोगे या ऑरेंज के पेड़ देखोगे, जो जो पेड़ देखोगे उसको आपको लिखना है। तो मैं जो जो आपको फिर आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हम उसका आंसर लिखेंगे,
तो इसका आंसर है थर्ड का, आई हैव सीन नीम ट्री, मैंगो ट्री, पपैया ट्री, ऑरेंज ट्री और एक्सेट्रा, बहुत सारे जो है वो आपने देखे होंगे। तो मैंने आपको पिक्चर में वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन से आपने देखे होंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में। तो देखो पिक्चर में, तो पिक्चर में आप देख सकते हो, तो पहला जो है चंदन का ट्री, तो आपने देखा होगा चंदन का ट्री, तो चंदन का ट्री आपने देखा होगा, बहुत सारे फार्म पर होते हैं चंदन का ट्री जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, तो चंदन का ट्री भी आपने देखा होगा। फिर काजू का ट्री, तो काजू का ट्री ज़्यादातर आपने देखा ही नहीं होगा। फिर जो साग का ट्री आता है वो, फिर फणस का ट्री, फिर ताड़ का ट्री, फिर आपको देवदार का ट्री, आम का ट्री, जो आंबे का जो आम का ट्री है वो भी आपने देखा होगा। फिर जो हम पीपल का ट्री, जो हम बोलते हैं उसको गुजराती में पिंपड़ो, उसका भी ट्री देखा होगा। फिर बनाना का ट्री देखा होगा। फिर जो जमरू के जो गावा है उसका भी ट्री आपने देखा होगा, या खजूर का ट्री, फिर पपैया का ट्री, फिर मौसम्बी का ट्री, फिर आंबली का ट्री, फिर वड जो हम बोलते हैं वो, फिर लिमड़ा का ट्री, फिर नारियली का ट्री, फिर लास्ट में वो बांस का ट्री। जो जो आपको ट्री देखा होगा वही आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने नीम का ट्री देखा है, फिर मैंगो का, पपैया का, ऑरेंज का ट्री देखा है, फिर आप और भी लिख सकते हो जो आपको बनाना का ट्री जो मैंने देखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बनाना का ट्री, जो जो दिखा है वह आप एक क्वेश्चन आंसर में आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये आपको एक क्वेश्चन आंसर, एक पिक्चर ड्रॉ करने के बोला है, और उसका जो आंसर है फर्स्ट नंबर का वो भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो यूनिट सिक्स था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप वर्कबुक लेके बैठना है, तो हम उसकी जो वर्कबुक है यूनिट सिक्स जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।